भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की सिल्वर स्प्रिंग की फेस टू में नशे में धुत मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रमोद रघुवंशी द्वारा 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से 5 राउंड से अधिक हवाई फायर कर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया। वहीं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस द्वारा प्रमोद रघुवंशी की 315 बोर की बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रमोद रघुवंशी द्वारा फायर करने को लेकर पहले तो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस गुंडागर्दी में हर जगह कांग्रेस का नाम क्यों आता है। बीजेपी ने मांग की है कि प्रमोद रघुवंशी को कांग्रेस से निष्कासित किया जाए। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर झूठे सवाल उठाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश की हर आपराधिक घटनाओं में कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। छतरपुर की घटना हमने देखी कि शहजाद अली जो कांग्रेस का पदाधिकारी था, हिंसक भीड़ का नेतृत्व करता है, थाने पर घुसकर पुलिस पर पथराव करता है, जिसमें कई निर्दोष पुलिसकर्मी घायल होते हैं। वही बात करें तो जीतू पटवारी दतिया जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहीं कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, उसका वीडियो भी सामने आया। अब तीसरी घटना सामने आ रही, इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खुलेआम गोलीबारी चला रहा है, गार्डों को धमका रहा है, भय व डर का आतंक फैला रहा है। और उस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम प्रमोद रघुवंशी है, वो जीतू पटवारी का कट्टर समर्थक है, उसका प्रतिनिधि है, उसके भी फोटो सब वायरल हो चुके हैं, और वह शख्स खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहा है। अब वो जीतू पटवारी की विधानसभा का ही मामला, राहुल का ही मामला, जीतू पटवारी मौन है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हर घटना में आखिर कांग्रेस के नेताओं का नाम क्यों सामने आता है। अब जीतू पटवारी इस पर कब मौन तोड़ेंगे, यह भी सवाल एक बड़ा सामने, कब उसको कांग्रेस पार्टी से निकालेंगे, कब उसके प्रतिनिधि पद से हटाएंगे। अब प्रमाण भी हमने जारी कर दिए, अब जीतू पटवारी कब सामने आते हैं देखना होगा। हर कानून व्यवस्था की स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती। लेकिन वो याद रखें, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, कानून का राज्य, कानून हाथ में लेने वाले को किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इसे किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यह देख ले, जनता देख रही है कि जो लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लोग ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, आतंक और डर का माहौल फैला रहे हैं। तो ऐसे जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस जो जाति आधार पर आंदोलन का निर्णय लेती है, यदि फरियादी और पीड़ित की जाति पहले देखती है, अब इस शख्स में कांग्रेस कब सामने आती है, यह देखना होगा, एक बड़ा सवाल सामने है। कल थाना तेजाजी नगर में जो सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी है, वहाँ के दो जो गार्ड है, वो थाना तेजाजी नगर के अंदर आके उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के अंदर हवाई फायर किया गया है, और इस संबंध में उन्होंने पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसमें एक व्यक्ति हवाई फायर करते हुए नज़र आ रहा था। तत्पश्चात पुलिस ने उसको प्रमोद रघुवंशी करके आइडेंटिफाई किया, तत्पश्चात पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के पश्चात हमने उसमें धारा आर्म्स एक्ट की धारा 30 व BNS की धारा 125 के तहत मामला पंजीकृत कर उसको हिरासत में लिया है, और इसमें आरोपी द्वारा कुल 5 राउंड हवाई में फायर किए गए थे। पुलिस द्वारा सभी 5 लोगों को भी बरामद कर लिया गया है। हाँ, पूर्व जो व्यक्ति था वह अत्यधिक नशे की हालत में था, पुलिस ने उसका मेडिकल भी कराया। देखिए, ऐसा कोई तथ्य आया नहीं हमारे समक्ष। जो हथियार उसके पास था वो 315 बोर राइफल थी, जो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसके लिए पूरे हमने आवेदन दे दिया है, इसके लिए हम उसके जो भी इस प्रकार की घटना घटित करते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रिंसिपल रहता है कि उसका जो लाइसेंसी बंदूक है, जिसका उसने मिसयूज़ किया है, उसके लाइसेंस को निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। विवाद जैसे कि जो सुरक्षाकर्मी थे, उनका ऐसा कहना था कि प्राय ऐसे ही नशे की हालत में आकर सोसाइटी के अंदर गुंडागर्दी की जाती है इसके माध्यम से, और कल भी उसके द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।